गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज न्यू लेसन स्टार्ट करने हैं अपनों ने। इससे पहले अपने दो लेसन कंप्लीट कर लिए, जिसमें फर्स्ट अपनों ने किया था मैटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और सेकंड किया अपनों ने लेबर कॉस्ट कंट्रोल। मैटेरियल और लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के बाद अपने आज एक लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड्स। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए मेनली तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना है उससे रिलेटेड डायरेक्ट मटेरियल, उसको बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए जिनको लेबर देनी पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, और उसको बनाने में डायरेक्टली अगर प्रोडक्शन करने में अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चों की रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेनली तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें से मटेरियल की कॉस्ट अपने कैसे एडजस्ट करना है वो चैप्टर कर लिया अपनों ने, लेबर की कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने लेबर कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर कर लिया है। तो इनकी हेल्प से अब एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट अगर फाइंड करनी होगी तो वो अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 है अपनी बुक में, जिसका पूरा नाम है यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड्स। नेम लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे और कह दो चाहे एंड कह दो, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, ये इस चैप्टर का नेम है। चैप्टर लंबा है ये वाला और इम्पॉर्टेंट भी है, और मोस्टली चांस होते हैं कि इस चैप्टर में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब किसी भी प्रोडक्ट की अपनों ने अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होगी तो अपने पास 3 मेथड्स हैं टोटल कॉस्ट फाइंड करने के। नंबर 1 पहला मेथड है कि अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 अपने कॉस्ट शीट बना के अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। और नंबर 3 है प्रोडक्शन अकाउंट बना के अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ, ये तो अपना चैप्टर का नेम था, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। इसके बाद मैं लिखता हूँ, फॉर कैलकुलेट द, फॉर कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए 3 टाइप्स के मेथड हैं। फॉर कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। 3 तरह के मेथड हैं प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करने के, जिसमें मैं लिख रहा हूँ, नंबर 1 प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। नंबर 2 है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, एंड नंबर 3 है प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट। तो 3 टाइप के मेथड्स रहेंगे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करने के, जिसमें फर्स्ट है कि अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, सेकंड है अपने कॉस्ट शीट बना के भी टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, और थर्ड है कि अपने प्रोडक्शन अकाउंट बना के भी टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट लिखा था कि अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपने अगर बनाएं तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट,
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो अपने बनाएंगे तो इसके लिए टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन थ्री पॉइंट्स को अपने अगर मिला देंगे तो इनको मिला के जो कॉस्ट आएगी उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। मैंने थ्री एलिमेंट्स को प्लस किया। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इसको अपने डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, मतलब जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना है उससे रिलेटेड आपको रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल वो आपको चाहिए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस या इसका सेकेंड नेम है डायरेक्ट लेबर, या इसका थर्ड नेम है प्रोडक्शन वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस। मतलब प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस बात एक ही है, और वेजेस का सेकंड नेम है लेबर। वेजेस भी कह सकते हो, लेबर भी कह सकते हो। और तीसरे नंबर पे है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इसको अपने कह सकते हैं डायरेक्ट ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इन तीनों को मिला के बोलेंगे अपने प्राइम कॉस्ट। तो प्रोडक्शन करने के लिए मेनली तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस या इसका सेकंड नेम कह सकते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस, मतलब जो प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी हैं, इन तीन के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइमरी ये कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर अपने ऐड करेंगे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे। प्राइम कॉस्ट में ऐड करता हूँ मैं, ये मैं प्रोडक्शन का काम अपने घर पे बैठ के भी कर सकता हूँ, तो मेरी ये तीन तरह की कॉस्ट ही आएगी। अगर मेरा बड़े स्केल पे बिज़नेस है तो ये सारा काम मैं अपना प्रोडक्शन करने का काम मैं अपना करता हूँ फैक्ट्री में, तो फिर ये सारा काम करने में मुझे कुछ फैक्ट्री के खर्चे भी लग सकते हैं, तो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री का सेकंड नेम है वर्क्स। आप फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हो। फैक्ट्री ओवरहेड या फिर इसका सेकंड नेम है वर्क्स ओवरहेड। मैंने ओवरहेड को इन शॉर्ट OH लिखा है। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में अगर अपने फैक्ट्री के खर्चे प्लस करेंगे तो अब जो वैल्यू आ जाएगी इसको बोलेंगे अपने फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या फिर आप इसको सेकंड नेम वर्क्स कॉस्ट भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में अपने ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, तो फिर वैल्यू आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे प्लस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री में तो माल बनाया, अब फैक्ट्री में बना के अपने बेच तो नहीं सकते। फैक्ट्री में बेचने के लिए अपने को ये वाला जो सारा माल जो अपने फैक्ट्री में बनाया है इसको अपने को ऑफिस में ले जाना पड़ेगा। इसको ऑफिस में ले जाके या शोरूम में ले जाके अपने सेल करेंगे, तो इस फैक्ट्री कॉस्ट में के अंदर मैं ऐड करता हूँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो अगर फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे प्लस कर देंगे तो अब जो कॉस्ट आ जाएगी इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने तक की टोटल कॉस्ट आ गई अपने पास। अब प्रोडक्शन करने की टोटल कॉस्ट आ गई, मतलब जितने रुपए अपने लग गए माल को प्रोड्यूस करने में, अभी बेचा नहीं है, अभी तो अपने ऑफिस में लेके ही आए हैं, सेल करने के लिए ऑफिस में ले आए। अब अगर अपने ऑफिस से ये प्रोडक्ट सेल हो जाए तो फिर यही टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अगर सेल करने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा से अपने को खर्चे करने पड़े, जैसे अपने को एडवर्टाइजमेंट देना पड़े सेल के लिए, जैसे अपने को कुछ फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े सेल करने के लिए, तो वो खर्चे भी इसके अंदर ऐड होएंगे। फिर
तो मैं इसके अंदर लास्ट खर्चा ऐड कर रहा हूँ, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग के खर्चे भी ऐड हो गए तो अब जो कॉस्ट आएगी इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, तो यहाँ तक ये फॉर्मेट चलेगा कॉस्ट फाइंड करने के लिए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री के खर्चे, तो फिर वैल्यू आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में अपने ऐड करेंगे फिर ऑफिस के खर्चे, तो वैल्यू आ जाएगी फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फिर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, देन अपने फाइंड कर लेंगे टोटल कॉस्ट। और अगर क्वेश्चन में सेल भी दे रखी है कि आपने इस प्रोडक्ट को इतने रुपीज़ का सेल किया, तो सेल में से फिर अपने टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, देन डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट। ये टोटल कॉस्ट तक तो अपने कर ही लिया, फिर मैं लिखता हूँ सेल। एक लाइन का मैंने डिफरेंस छोड़ दिया बीच में, सेल। तो इस सेल में से मैं ये टोटल कॉस्ट माइनस करूँगा तो डिफरेंस आ जाएगा फिर प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट यहाँ पर अपने कंप्लीट। तो अपने लिखा था ना कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए थ्री टाइप्स के मेथड थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट एंड थर्ड था प्रोडक्शन अकाउंट। जिसमें से अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो फॉर्मेट अपनों ने बना लिया। अगर क्वेश्चन में अपनों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बजाय कॉस्ट शीट बनानी होगी तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। ये जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का जो फॉर्मेट बनाया है इसमें अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। मान लो मैंने इस साल जो प्रोडक्ट जो बनाया, मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की, मैंने 10,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस की। और अगर मान लो कि अगर 10,000 की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो अपने बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और अगर मान लो अपनों ने क्वेश्चन में लिखा हो कि आप 10,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट फाइंड करिए एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट, आपको टोटल कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट भी आपको साथ में फाइंड करनी है, तो फिर अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बजाय फिर बनाएंगे अपने कॉस्ट शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट में डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस ये रहा कि अगर आपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है देन बना लेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के साथ साथ अपनों ने अगर पर यूनिट भी फाइंड करना है तो फिर अपने बना लेंगे कॉस्ट शीट। और चेंजेस क्या आएगा, ये सारी स्टेटमेंट जैसे बनाई है सेम वैसे की वैसी, इसके साथ साथ एक कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पर, इसके साथ एक कॉलम ऐड हो जाएगा जिसको मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट पर यूनिट। एक कॉलम ऐड हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का यहाँ पर। तो बस ये सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा, जैसे मैंने लिखा कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपये मेरा खर्चा है प्रोडक्शन करने का। 1,00,000 रुपये से मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई तो यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़ टोटल 10,000 यूनिट्स को बनाने में। 1,00,000 में 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो पर यूनिट मैचल की कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपीज़। वैसे टोटल जितनी भी लेबर लगी उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास लेबर भी पर यूनिट आ जाएगी, वैसे ओवरहेड भी, वैसे सारी कॉस्ट ही पर यूनिट आ जाएगी। मतलब जितनी मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालता जा रहा हूँ, इस टोटल कॉस्ट के अंदर मैं अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फिर पर यूनिट वाला कॉलम भी साथ साथ तैयार होता जाएगा। तो अगर ओनली टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है देन बनाएंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और अगर टोटल कॉस्ट के साथ साथ पर यूनिट भी कॉस्ट फाइंड करनी है देन अपने एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेंगे, और जब कॉलम दो हो जाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का नेम चेंज हो के वो बन जाएगी कॉस्ट शीट्स। तो आज अपने दो फॉर्मेट पढ़ लिए कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनानी है और कॉस्ट शीट कैसे बनानी है। और प्रोडक्शन अकाउंट जो है, जो थर्ड मेथड था प्रोडक्शन अकाउंट, इसके बेस पे लास्ट के दो क्वेश्चन ही हैं, ये अपने जब क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तभी इसका फॉर्मेट पढ़ लेंगे। अभी अपने बस ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट के बेस पे पूरा चैप्टर अपने चलाएंगे।
तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।